अनामिका सिंह और आप देख रहे हैं डी न्यूज। आखिर क्या हुआ जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर में अदावत हो गई? पीके और सीएम नीतीश की बड़ी दूरी क्या बिहार की सियासत के लिए अहम मोड़ साबित होने वाली है? क्या ये अहम मोड़ उसी तरह का है जैसा वर्ष 2015 में सीएम नीतीश और पीके के करीब होने के साथ ही लालू यादव और नीतीश कुमार भी करीब आ गए? आपको बता दें कि ये वही अहम सियासी घटनाक्रम था जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजेता छवि को छिन्न कर दिया था। वही जेडीयू से निकाले जाने के बाद प्रशांत किशोर ने ये ऐलान कर दिया है कि वो 11 फरवरी को अपनी अगली रणनीति का खुलासा करेंगे। जाहिर है पूरी सियासी बिरादरी की नजरें इस पर टिकी हुई है। आखिर पीके क्या करने वाले हैं? क्या वो बिहार में राजनीति की कोई नई नींव डालने जा रहे हैं? वही पीके के संभावित रणनीति की चर्चा के बीच आरजेडी कांग्रेस की ओर से अप्रत्यक्ष रूप से मिल रहे ऑफर को लेकर भी सियासतदानों के बीच कौतूहल। बहरहाल सवाल ये है कि आखिर पीके क्या कर सकते हैं या फिर क्या करने वाले जो सीएम नीतीश के लिए सिरदर्द साबित हो सकता है? क्या 11 फरवरी को प्रशांत किशोर पटना आएंगे, तब वो अपनी अगली रणनीति का खुलासा करेंगे? दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम अगर अरविंद केजरीवाल के पक्ष में आया तो पीके का कद और बढ़ जाएगा और उनकी रणनीतिक अहमियत बढ़ जाएगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम का असर बिहार में दिख सकता है और पीके एक बार फिर बिहार में विपक्षी एकता की धुरी बन सकते हैं। ऐसे भी उनके लिए एक ऑप्शन राष्ट्रीय जनता दल ने खोल रखा है। खास तौर पर कांग्रेस और आरजेडी के साथ ही अन्य छोटे दलों को मजबूती के साथ एकजुट करने में पीके भूमिका निभा सकते हैं। पीके ऐसे कार्यों के लिए ही जाने जाते हैं जिसमें दो दूर विरोधियों को भी बीजेपी विरोध के नाम पर वो सहजता से एक कर देते हैं। बिहार में अगर वो कन्हैया कुमार तेजस्वी यादव को एक साथ मंच पर ले आए तो राज्य की सियासत में बड़ा उलटफेर हो सकता है।